वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल चेक। आज मैं आप लोग के लिए मेकअप लुक लेके आई हूँ जो कि इंस्पायर्ड लुक है आलिया भट्ट की मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा और मुझे आलिया भट्ट की जो लुक थी मुझे पसंद आई, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट रिक्रिएट दिस लुक। और मेरे पास सिमिलर ही साड़ी रखी हुई थी और जो इयररिंग्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर थी, तो मैंने बोला कि वाई नॉट ट्राई दिस लुक। तो हम हाज़िर हो गए लुक रिक्रिएट करने के लिए और यहाँ पे आपको उस लुक का मिलता जुलता लुक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं सेम लुक अचीव कर पाऊँ। तो आप लोग बताइएगा कि वो लुक अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने मेबेलिन की फिट मी फाउंडेशन लिया। मैंने ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लिया है क्योंकि आलिया भट्ट भी बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हैं, उनका बहुत कम ही मिनिमम ही दिखता है मुझे। तो अब तो मैंने भी यहाँ पे कम ही लिया है। देन आई एम टेकिंग दिस कंसीलर स्टिक जो कि मैंने अपने फेस में रिक्वायर एरिया में मैंने लगा लिया। अब मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से, बहुत अच्छे से ब्लेंड करिएगा। जो स्टिक वाली जो कंसीलर आती है वो बहुत जल्दी ब्लेंड नहीं होती, मुझे ऐसा फील होती है, क्योंकि जो लिक्विड कंसीलर आती है वो जल्दी से इजीली ब्लेंड हो जाती है और स्टिक वाली नहीं होती। आप बताइएगा कि कौन सी जल्दी होती है, आपको कौन सा सूटेबल लगता है कि कौन सा यूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। फिर यहाँ पे मैंने स्टिक वाला ही कॉन्टोर लिया, उसके बाद मैं अपने रिक्वायर एरिया में लगा के उसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश से तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रही थी। और फिर ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने वाटर में डिप करके उसे सोक थोड़ा सा करने दिया, उसके बाद स्क्वीज़ करके मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी यूज़ करेंगे तो पहले वेट कर लीजिए, उसके बाद ही यूज़ करिएगा, नहीं तो जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सोक कर लेता है। और डैम्प और सोक करने से ये फ़ायदा होता है कि वो प्रोडक्ट को कम एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे मैं फिट मी फाउंडेशन का कॉम्पैक्ट पाउडर ली और मैंने अपने फेस में लगाया। देन यहाँ पे मैं आईब्रोज़ को ब्रशिंग कर रही हूँ, ब्रश से सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो न्यूड पैलेट्स हैं मेरे SFR की है, तो उसके न्यूड जो कलर थे उस कारण से मैंने वो पैलेट ख़रीदा था, तो वो मेरे आईब्रोज़ के लिए भी हो जाती है और कभी मुझे न्यूड मेकअप करना है तो उसके लिए भी ये पैलेट बेस्ट है। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे ब्राउनिश कलर लिया था और बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है, नेचुरल आई लग रही है, आईब्रोज़ लग रही हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं ब्राउन कलर की जो आई शेडो है उसे मैं ले रही हूँ, क्योंकि जो आप फ़ोटो में देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूड ही दिख रहा है, कुछ चटक मटक नहीं है, क्योंकि उन्होंने काजल में ज़्यादा फोकस किया हुआ है और लिप्स भी न्यूड है, आईब्रोज़ भी बहुत ज़्यादा तड़क भड़क नहीं दिख रही है, नेचुरल लग रही है, और आईज़ भी बहुत ज़्यादा ही नेचुरल लग रही है। तो मैंने ब्राउन कलर की आई शेडो ली थी और उससे मैंने कलर डिस्पोज किया। देन यहाँ पे मैं ब्राउन कलर की काजल ले रही हूँ, क्योंकि बाद में ब्लैक काजल तो अपन को लगाना ही है, तो ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रही हूँ कि देखते हैं कैसा लुक मिलता है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का काजल को अप्लाई किया। देन यहाँ पे जो ब्राउन कलर की जो शेडो है उसे भी मैंने लिया और फिंगर टिप से मैंने हाथ से लेके उसमें अप्लाई किया। और उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड की ये जो हल्का सा शिमरी क्रीमी वाली जो आई शेडो है उससे मैंने अपने फिंगर टिप से ही, मिडल फिंगर से ही अप्लाई किया। तो मैंने पूरे आई लिड में नहीं लगाया, मैंने अपने आई बॉल वाले ऊपर वाले एरिया में ही लगाया, लेकिन थोड़ा सा जो बच रहा था बस उसको मैंने डिस्पोज किया। देन यहाँ पे मैं ब्राउनिश टाइप की कलर को लेके अपने लोअर लाइन में लगा रही हूँ, क्योंकि मैं काजल लास्ट में लगाऊंगी तो उससे पहले मैं ये सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। मैंने बोला कि काजल लगाने से पहले थोड़ा सा, क्योंकि काजल लगाने के बाद उसे ब्लेंड करना तो मुश्किल है क्योंकि स्मज हो जाएगी काजल भी। देन यहाँ पे मैं ब्राउन कलर का ही जो ब्लश है वो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पिंक नहीं अपने चिक्स को दिखाना था। देन यहाँ पे मैं काजल ले रही हूँ और मैं काजल को अच्छे से बोल्ड लगाऊंगी, बहुत देखिएगा आगे लुक आपको समझ आ जाएगा। देन यहाँ पे मेरी जो काजल की टिप है वो थोड़ी सी टूट गई, क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि काजल लगाते लगाते टिप टूट जाती है? तो फिर उसके बाद मैंने फिर से लिया और लगाना स्टार्ट किया। देन मैं देखिए कितनी मोटी और बहुत ज़्यादा
हैवी दिखाना चाह रही थी अपनी आँखों को, तो वही सेम काजल से ही मैंने ऊपर वाली जो लाइन है उसमें भी ड्रॉ किया, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइनर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैंने काजल से ही ये आई मेकअप जो आई का जो लुक है उसे क्रिएट किया है। तो देखिए कितनी प्रीटी लग रही है, क्योंकि मैं फ़ोटो को देखते जा रही थी और उस हिसाब से मैं मेकअप कर रही थी। देन यहाँ पे मैं हाईलाइटर ली हूँ, अपने फेस को हाईलाइट करी, बहुत एक्सेस हाईलाइटर भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि न्यूड मेकअप में बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना अच्छा नहीं लगता है। देन यहाँ पे मैं लिप लाइनर ले रही हूँ, वो भी ब्राउन कलर की लिप लाइनर है, क्योंकि मैं ब्राउन और न्यूड टाइप की लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे लाइनर लगाया हुआ है, लाइनर को ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए लिपस्टिक निकालती हूँ, ये NYBA की लिपस्टिक है, इसका शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। बहुत 99 रुपीज़ में इतनी प्रिटी न्यूड लिपस्टिक हमें मिल रही है कि क्या ही कहना। तो देखिए ये लिपस्टिक लगा के मैंने इस लुक को कंप्लीट किया। देन मैं यहाँ पे बिंदी लगाऊंगी, उससे पहले मैं यहाँ पे मस्कारा लगा रही हूँ, क्योंकि आई मेकअप अगर हम बोल्ड कर रहे हैं तो उसमें मस्कारा नहीं लगा रहे हैं तो लुक कंप्लीट नहीं लगती है। देखिए ये मेरी फाइनल लुक है, आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।